एक साथ मनाएंगे। इसके लिए आज दोपहर से एक्चुअली व्लॉग नहीं किया थी हूँ, और उसके बाद नहाऊंगी, एडिट तो किया। पे हम स्वागत करेंगे 2024 को एक्चुअली। बेटू रेड रेड हो रखा है एकदम तेल के। वन, आप लोगों को स्वागत है 2023 का लास्ट वीडियो में, और स्वागत करती है आप लोगों की ये शिल्पा मेधी। तो पिकनिक का गाड़ी का गाना सुन रहे होंगे आप लोग। आज है 31st of December और 2023 एंड, और एक साल फिर से हमारी ज़िंदगी से कम हो गया और हम और थोड़े बड़े हो गए हैं। सो आज इतना ही बोल सकूंगी कि 2023 ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया हम लोगों के लाइफ में, बहुत कुछ नए नए चीज़ें हुई जिन चीज़ों को लेके हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, है कि नहीं। आप लोगों के लाइफ में कैसा क्या क्या हुआ आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और कल के व्लॉग पे हम स्वागत करेंगे 2024 को। एक्चुअली साल ही एंड हो रहा है, लाइफ तो कुछ रातों रात चेंज नहीं होगा कि आज के 12 बजे हमारे लाइफ अगर चेंज हो जाती तो एक्साइटमेंट अलग था। पहले एक्साइटमेंट अलग ही होता था कि 31st और 1st of January का एक अलग ही क्रेज़ था, हमारे घर पे भी था। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे जैसे बड़ी हुई हूँ कुछ चेंजेस तो होने नहीं वाला रातों रात। आज जैसे हैं कल भी वैसे ही रहेंगे, सिर्फ डेट चेंज होगा और होप्सो हमारे लाइफ भी चेंज हो जाए। तो चलो हम मिलेंगे थोड़ी ही देर में। अभी सुबह के बज रहे हैं, 11 ही बजने वाले हैं। मैंने थोड़े काम कर लिए हैं, थोड़े काम बाकी है, काम वाम करते हैं और उसके बाद आप लोगों से मैं मिलूँगी। क्या क्या होगा आज के दिन पे, क्योंकि आज 31st है। 31st पे यूजुअली हमारे घर पे सेलिब्रेट किया जाता है अच्छे से, हम बहुत सारे खाना खाते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के दिन पे क्या क्या होता है, और 2023 को बाय बाय करेंगे एक साथ। ठीक है, बने रहिए आज के ब्लॉग पे। नहाने जाने वाली हूँ, उससे पहले मैं खाऊंगी ऑरेंज, खाऊंगी नहीं खा रही थी। और फिर मम्मी को मैंने मम्मी का हिस्सा दे दिया और अपना खा लिया। फिर मेरी मम्मी नहीं खाएगी तो तभी बोलना चाहिए था ना, एक बार खा लेती हूँ तो फिर दिल नहीं करता है। लेकिन ऑरेंज है, खाना तो पड़ेगा, खाती हूँ और उसके बाद नहाऊंगी, एडिट तो किया ही नहीं करूँगी। मिर्ची खा के क्या मजा आता है। चलो मैंने खा लिया है ऑरेंज, अब जल्दी से जाके नहा के आते हैं और फिर हमें कहीं पे जाना है, तो चलो नहा के आते हैं। हेलो,
मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और कप का नहा धो के आ चुकी हूँ और भी मैं खाना खाने लगी हूँ। मम्मी पीछे खाना खा रही है लुक, और मम्मी फ़ोन पे भी बात कर रही है और अभी खाना खाएंगे। मुझे ना बहुत ठंड लगी, मैंने वीडियो भी एडिट कर लिया क्योंकि आज 31st है ना, शाम को तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा, तो इस वजह से अभी खाना खाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं देखते हैं। मुझे ठंड लग रही है फिलहाल, थोड़ी थोड़ी ठंड आ गई है। चलो खाना खा के मिलती हूँ। 4 hours later शाम के बज रहे हैं 4:44 और हम रेडी है, हम लोग जा रहे हैं दी के घर क्योंकि आज 31st है और 31st अकेले मनाने में मज़ा नहीं आएगा, तो हम दी के घर पे जा रहे हैं, चारों मनाएंगे क्योंकि इस बार राजा का भी 31st है तो एक साथ मनाएंगे। इसके लिए आज दोपहर से एक्चुअली व्लॉग नहीं किया कि रात को तो बनाऊंगी तो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से। चलो मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन क्या है कि दोपहर को मुझे थोड़े से गले में दर्द हुआ था और अब जाके बहुत ज़्यादा दर्द हो गया और अभी मुझे ज़ुकाम जैसा फीलिंग आ रहा है, लेकिन मैंने झट से टेबलेट खा लिया क्योंकि आज के दिन मुझे बुखार में नहीं रहना, कल भी नहीं रहना, क्योंकि इसलिए मैंने मेडिसिन ले लिया है, होप सो कम हो जाए। गले में तो बहुत ज़्यादा दर्द है, तो गर्म पानी वानी पी ली हूँ मैं, तो होप सो मैं ठीक रहूँ, है ना। चलो मैं उधर पे मिलती हूँ, इधर से जाते हैं। हम लोग आ गए थे घर और मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए क्योंकि 2023 को भगवान के साथ एंड करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से एक बार मंदिर दर्शन करके आते हैं, उसके बाद 31st एंजॉय करने के गाना शुरू हो गया है, एक बार दर्शन करके आते हैं कि दिल को सुकून आ जाए। बेटू अजन 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 जान गाइस, हम लोग का 31st शुरू हो चुका है और 31st का दावत शुरू हो चुका है एक्चुअली, और यहाँ पे देखिए मीट बन रहा है, ये खासी का मीट, और यहाँ पे दीदी ने बनाना शुरू कर दिया है, साथ में हम लोगों के साथ में है ये अंडा, और अभी हम लोग खाएंगे क्योंकि 31st एक साथ सब कुछ नहीं खा सकते, तो एक धीरे धीरे करके खाएंगे, तो अंडे से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग लास्ट में सिर्फ मीट और चावल ही देखेंगे, yes. इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ मीट और चावल ही देखेंगे। चलो हम लोग का 31st का खाना रेडी और खाना खाते हैं अभी। आज के खाने में हमारा क्या क्या है हम आपको दिखाते हैं। हमारा खास नहीं होता क्योंकि सब्जी तो हम खाते नहीं है, कभी ऐसा होता है कि हम सब्जी खाते हैं, अदरवाइज सब्जी तो खाते ही नहीं है, तो आज भी कोई सब्जी वगैरह है नहीं, अंडा हम लोगों ने तभी खा लिया था, और अभी बना है मीट एंड फिश और चावल यही, तो आप लोगों को दिखाते हैं और फिर व्लॉग भी एंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का फिश फ्राई किया गया है, फिश का कोई करी नहीं बनाया क्योंकि हम लोग नहीं खाएंगे। साथ में है यहाँ पे ये देखो मीट एकदम रेड रेड हो रखा है एकदम तेल के अंदर, तो ये मीट और फिर चावल। और गाइस ये है मेरा प्लेट, अभी मैं खाना खाती हूँ फिश और मीट के साथ। तो चलो हम लोग खाना खाते हैं और आज का व्लॉग एंड करते हैं। आई नो आप लोग ये व्लॉग न्यू ईयर में देख रहे हो, तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस, होप आप लोगों का ये नया साल बहुत ही अच्छा आ जाए। मैंने कहीं कहीं पे सुना है और पढ़ा भी है कि 2024 बहुत ही अच्छा होने वाला है, और जो लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इतने दिनों से और मतलब सफल नहीं हो पाए हैं, तो वो लोग सफल भी हो जाएंगे इस ईयर में। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, आप लोगों के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि 2024 हमारे लिए क्या क्या लेके आते हैं, और लास्ट में 2024 के लास्ट में हम लोग तो नया व्लॉग मतलब वो वीडियो बनाएंगे ही ऑल अबाउट 2024, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हमें क्या मिला क्या नहीं। तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस, अभी इधर आज के ब्लॉग पे ही बता दिया क्योंकि ये ब्लॉग तो कल जाएगा तो तब तक न्यू ईयर हो चुका होगा और आप लोग
को फर्स्ट फर्स्ट विश करना ज़रूरी है। तो 2023 को बाय बाय कहते हैं और 2024 को वेलकम करते हैं। सो आज का व्लॉग एंड करते हैं, इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नए साल में। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलेंगे कल। गुड नाइट गाइस, हैप्पी न्यू ईयर।